अब हम इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो रहे हैं उस टीम का जो कि तीन बार खिताब जीत चुके हैं। प्रो कबड्डी इतिहास की सबसे डेकोरेटेड टीम है पटना पायरेट्स। क्या चौथे खिताब के नजदीक जाएंगे? तबंग दिल्ली नई उम्मीदें और आशाएं लेकर के उतरे हैं। आशु मलिक ने कमाल किया और दोनों कॉर्नर्स जमकर चल रहे हैं। कुछ ही देर पहले टॉस हुआ दोस्तों, दबंग दिल्ली ने टॉस जीता है। पहली रेड पटना पायरेट्स की। एलिमिनेटर वन शुरू होने वाला है, कौन पहुंचेगा सेमीफाइनल्स में? तैयार हो जाइए एलिमिनेटर नंबर वन के लिए। नॉकआउट दौर का आगाज हो रहा है। जो जीता आगे बढ़ेगा, जो हारा बाहर जाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं संजय बैनर्जी। मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी मंत्र मुग्ध और कबड्डी जगत की एक अजीम शख्सियत ऋषंक देवाडिगा। सचिन तंवर आए हैं पहली रेट पर और विशाल भारद्वाज पर टो टच की कोशिश लगातार कर रहे हैं। पिछले पांच मैचेस देख लीजिए, ये कमाल किया सचिन ने, आते ही मल्टी पॉइंट पर चले गए। बहुत ही जबरदस्त रेट सचिन की, गलती करवाई विशाल भारद्वाज से, बहुत ज्यादा एडवांस, बैक होल्ड करने की कोशिश, यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांस मोहित गए थे पैरों पे। सचिन के दो पॉइंट खोना पड़ा पहली रेड में। वो सचमुच लाजवाब है, मनजीत आए हुए हैं रेड पर सपोर्ट रेडर के तौर पर। इनका रोल बहुत अहम होगा आज के इस मुकाबले में। बैक टू बैक तीन रेडर्स ट्राई कर लिए हैं पटना ने। ओ, खेलों में खेल योगेश सर्वश्रेष्ठ, बहुत ही बेहतरीन टैकल है योगेश का। और हमने देखा है योगेश को सिंगल ब्लॉक के लिए जाते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन वेस्ट होल्ड करके रोका, इसके करने का मौका दिया नहीं बिल्कुल भी मनजीत को। दुबला पतला शरीर, छरहरा बदन, लेकिन ताकत देख लीजिए असीमित है योगेश के अंदर। और आए हैं नीतू, चले नहीं है पूरे सीजन, यहां पर अच्छी शुरुआत की। बोनस का अटेम्प्ट किया, अब बोनस संभवतः कंफर्म कर गए। बोनस का अटेम्प्ट तो किया था, मुझे लगता है लाइन कट हो रही है, पर अंकित से गलती करवाई, एंकल होल्ड करने की कोशिश। और यहां पर अब देखें पटना और दिल्ली की ही भिड़ंत। बिल्कुल पटना और दबंग दिल्ली की अगर आप भिड़ंत देखें, यहां डैश आउट करने गए थे, मयूर कदम ने गलती की, डैश आउट नहीं कर पाए, आशु मलिक कामयाब हुए। तो रेडर्स की जंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल वो रनिंग एंड टच की कोशिश थी कृष्ण धूल के ऊपर, बहुत ही अच्छा ये रनिंग हैंड टच आशु का। और कमजोर टाइमिंग मयूर कदम का, अगर पहले आ जाते तो डैश सक्सेसफुल रहता। सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है सुधाकर को और संजय को अंदर ले आया गया है। यहाँ के चार के डिफेंस में जरूरी होगा संजय को आशु पर वो प्रेशर बनाना। चार खिलाड़ी बाकी इस वक्त पटना पायरेट्स के खेमे में। ओ, पुश करने की कोशिश, पीछे नहीं हट सकते। और बहुत ही अच्छी कप्तानी कोच साहब की, संजय को अंदर लाया था, उनको पता था कि वो आशु को रोक सकते हैं और वही करके दिखाया संजय ने। सिद्धार्थ मल्होत्रा कुछ ही देर में हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ने वाले हैं, इनकी फिल्म योद्धा रिलीज होने वाली है तो उसके बारे में बात करेंगे और कबड्डी के योद्धा की बात करेंगे। क्या रेडर, क्या डिफेंडर, आज जबरदस्त मुकाबला। एलिमिनेटर यानी कि नॉकआउट दौर का ये पहला मुकाबला, देखिए किस तरह से पैरों पर गए सामने आए। अगर पटना पायरेट्स 20.7 के साथ तीन पर हैं तो दबंग दिल्ली 20.6 के साथ चार पर है, तो दोनों के रेडर्स बेहतर कर रहे हैं। और ये डू ऑर डाई का नियम जो बेसिक है वो आप जानते हैं, और डू ऑर डाई में पॉइंट लाना जरूरी था। अंकित ने कमाल किया, नीतू बाहर गए। बहुत ही अच्छा डैश है अंकित का, फॉलो किया पूरी तरह से नीतू को, बेहतरीन डैश करके रोक लिया, नीतू को मौका दिया नहीं बिल्कुल भी। ये भाव जो चेहरे पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक्टर्स से डायरेक्टर्स नहीं निकलवा पाते हैं जो कबड्डी निकलवा लेता है। बिल्कुल, ये बड़ा नेचुरल तरीके का एक्सप्रेशन है और यहाँ बड़ा नेचुरल खेल है। मनजीत ने कितना बढ़िया रनिंग हैंड टच किया योगेश को, और योगेश का जाना डिफेंस को थोड़ा हिलाता जरूर है। देखिए जर्की मूवमेंट है मनजीत के, फुटवर्क से चकमा दिया योगेश को और गलती करने पे मजबूर किया। आशु मलिक बाहर बैठे हैं,
और इस वक्त रेड पर आए हैं मंजीत। काफी समय के बाद मंजीत वापस आए हैं, इंजर्ड होकर बाहर गए थे, 15 दिन के बाद आए हैं। करीबी मामला हो सकता था, जरूर दिल्ली ने मिस किया, लेकिन आज मीतू को मंजीत को अपना A1 गेम दिखाना होगा। बिल्कुल, मीतू अब तक सिर्फ 1 पॉइंट ला सके हैं रेड, और ये कृष्ण ढुल दोनों पैरों पर एक साथ गए लेकिन लॉबी के सहारे से निकल नहीं पा रहे थे। यहां पर रॉफ सुपर टैकल की सिचुएशन और सचिन तंवर है रॉफ सुपर टैकल में, विशाल भारद्वाज को उन्होंने टॉस दिया और ये ऑल आउट। डबल डेली ऑल आउट, 2+2 4 पॉइंट्स। जबरदस्त तरीके से दोनों डिफेंडर्स को बाहर किया, रॉफ सुपर टैकल यहां पर कामयाब हुआ मगर की जकड़ से निकल नहीं पाए। एक वक्त के लिए ऐसे लगा कि टैकल सक्सेसफुल हो जाएगा विशाल भारद्वाज का, पर बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड सचिन तंवर का, चकमा दिया अपनी रेड से, बहुत ज्यादा एडवांस वो डाइव करने की कोशिश। एक्सपीरियंस प्लेयर है, रुक के खेलना होगा, ऐसे मैच में बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है सेकेंड हाफ में हम आशीष को देख सकते हैं, 4 फेल्ड टैकल ऑलरेडी कर चुके हैं विशाल भारद्वाज। आशु मलिक अब तक 3 रेड पॉइंट्स हैं। आशु मलिक को अगर आपने चेक कर दिया तो दिल्ली पर आपको बढ़त मिल सकती है। बढ़िया रनिंग हैंड टच, कृष्ण ढुल को बाहर किया एक बार फिर। 1 पॉइंट, रनिंग नहीं सर, फ्लाइंग हैंड टच कहिए, क्या बेहतरीन उड़ान भरी है आशु मलिक ने, ये तो ग्रेविटी को डिफाई कर चुका है। पहला एलिमिनेटर मुकाबला पटना पायरेट्स और साथ में दबंग दिल्ली, फिलहाल पटना इस मुकाबले में आगे है, अगर दिल्ली यहाँ हार गई सिद्धार्थ तो फिर बाहर जाएगी, तो फिर ट्रॉफी नहीं ले पाएगी। देखो यार बिल्कुल, जब आखिरी बार उन्होंने मुकाबला किया था तो दिल्ली जीती थी, वो सीजन 8 का फाइनल, सीजन 8 के फाइनल में की बात कर रहा हूँ जितना मुझे याद है, और अभी भी चांस है। बेशक अभी दिल्ली थोड़ी पीछे लग रही है, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है बॉयज में की है कुछ चमत्कार करके ये सारे योद्धा आज मिशन सक्सेसफुल करके आएंगे। क्या लगता है आपको, यहाँ डू ऑर डाई रेड है फिलहाल, अगर यहाँ पर कोई एक्शन नहीं कर पाए सचिन तो बाहर जाना पड़ेगा। फिलहाल सचिन को डू ऑर डाई रेड में कामयाबी मिली, ये दिल्ली के लिए खतरा हो रहा है सिद्धार्थ धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, बट स्टिल रूटिंग फॉर दिल्ली यार, आई थिंक थोड़ा इनको और योद्धास को और फोकस और डेडिकेशन चाहिए, आई स्टिल फील कि ये लोग यहाँ से कमबैक कर सकते हैं। और ये देखिए आप, एक बहुत ही यंग टीम है दिल्ली की, नवीन इंजर हो गए आपके फेवरेट खिलाड़ी आप बता रहे थे, अब इस नई टीम के साथ आशु ने कमाल किया और बिल्कुल ऐसा ही कमाल, क्या बात है, क्या बात है, क्या पैतरा यार, फुल एजिलिटी, बहुत इनकी अगर फिटनेस की बात करें तो आई थिंक जो एजिलिटी और इनकी हाइट और वेट के साथ इतनी अवेयरनेस चाहिए, और हम लोग तो जब भी ये बड़े पर्दे पे करते हैं तो हमें रीटेक्स मिलते हैं पर इनको रीटेक्स नहीं मिलते हैं, तो इनकी फिटनेस की दाद देनी पड़ती है, देनी पड़ेगी। और यहाँ पे इंजरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर मंजीत रेड करना है, 6 फिट से ज़्यादा इनकी हाइट है और इस हाइट के साथ जिस तरीके से खेलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही अगेन इनकी एजिलिटी, लंबे हाथ पाँव होने के बावजूद इतना तेज, मैं इनको नोटिस कर रहा हूँ, जब भी कोई हाइट होती है तो बहुत मुश्किल होता है डिस्टेंस कवर करना, बट हैट्स ऑफ टू इन सब की फिटनेस। अच्छा सिद्धार्थ मुझे एक बात बताइए, एक योद्धा और कबड्डी के खेल में क्या समानता है? आई थिंक देखो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, एक योद्धा जो एक वर्ड है, एक टाइटल है, वो इतना स्ट्रांग है, इतना मजेदार है, इतना इंस्पायरिंग है, वो सेम चीज आपको कबड्डी में चाहिए, आप कभी भी कबड्डी में रिलैक्स नहीं कर सकते, जब भी आप मैच में, आई थिंक चाओ देखिए, अरे अरे ओ मामला बराबरी पर ले आइए। वैसे कबड्डी के खेल में तो इंटेंस एक्शन होता है, हमने देखा है, आपने अपने मूवी का जो पोस्टर लॉन्च किया है, कमाल का 13,000 फीट की हाइट से पोस्टर लॉन्च किया और डिफेंडर्स इस रेडर पर लॉन्च हो गए, क्या बात है, दबंग दिल्ली ने पटना को ऑल आउट किया, लेकिन कबड्डी के खेल में ऑल आउट के बाद ऑल इन का भी मौका मिलता है, जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है तो करना क्या, ले पंगा। और एक बार फिर से कबड्डी के खेल में अच्छी बात ये होती है ऋषांग की योद्धा बाहर जाते हैं,
आशु मलिक की रात है। बातचीत शुरू हो चुकी है। सुपर क्या लगता है, सुपर रेड होगी? देखो यही तो मजा है इस गेम का, इतनी फास्ट गेम चेंज होती है, ये लोग इतने फास्ट पैतरे होते हैं यहाँ पे, वही मुझे मजा लगता है यहाँ की एनर्जी देख के भी, कि ये सारे जो कबड्डी के योद्धाज हैं इतना सारा इतनी सारी एथलेटिक परफॉर्मेंस दिखाते हैं हमें कि ये बहुत मजेदार है। सीजन और तमिल थलाइवास में इनके पेरेंट्स आए थे मैच देखने, बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था वो। एक माँ बाप के लिए कितना अच्छा होता है ना उनका बच्चा इतने बड़े स्टेज पर जब सामने आए परफॉर्म करे, और आज तो और बड़ा स्टेज है। और सुधाकर यहाँ कामयाबी मिली, पटना के लाल ने भौकाल मचा दिया। ये आपके आपके पिछले पॉइंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैसे हिंदुस्तान के छोटे छोटे कोनों से अलग अलग शहरों से एथलीट्स आ रहे हैं, जिनको मौका मिलता है नेशनल लेवल स्पोर्ट खेलने का, उनको एक करियर मिलता है जो कि पहले शायद नहीं होता था। बिल्कुल, कबड्डी के थ्रू, कबड्डी जब से आया है मिट्टी से मैट तक, आई थिंक एजिलिटी और हाइट देख के मैं शायद रेडर होता कि लंबे लंबे हाथ लंबी टांगे, पर इतना एथलेटिक होता कि नहीं होता पता नहीं। वो देखो, अरे यहाँ पे ये जो बैक किक लगाई खिलाड़ी, बहुत बढ़िया डुबकी लगाते हैं, बैक किक लगाते हैं, और स्पेशली राइट कॉर्नर को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अभी तक इतनी बढ़िया किक लगाई थी, लेकिन योगेश के तंदुरुस्त से बच के निकले। बहुत बढ़िया, क्या स्लाइड किया, क्या मूव है। तीन या तीन से कम डिफेंडर, और यहां सुधाकर को कामयाबी मिली, और यहां एक पॉइंट सुपर टैकल के दो पॉइंट मिले, रॉप सुपर टैकल। और दोनों कोचेस को देख लीजिए, रेडू साहब पटना पायरेट्स के कोच हैं, रणनीतिकार हैं, डेब्यू किया है उन्होंने इस सीजन में पटना पायरेट्स के लिए, और दूसरी तरफ अनुभव की खदानें खोकर साहब। एक और पॉइंट पटना पायरेट्स के नाम सचिन धवन, और इसी के साथ स्कोर्स बराबरी पर। ये फर्क है दोनों टीमों के बीच में कि सचिन धवन को ब्रेक मिल रहे हैं, उनका साथ देने के लिए बाकी रेडर्स मौजूद हैं। यहाँ पे गलती कर बैठे नितिन चांडेल, जिसके साथ का मुकाबला चल रहा है, बराबरी का मुकाबला चल रहा है। ये टू और डाई रेड है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी आशु मलिक आए हैं और लेकर गए हैं आशु मलिक ने 3 points दबंग दिल्ली। आशु मलिक की ये दूसरी सुपर रेड है, क्या कमाल का खिलाड़ी है आशु मलिक। अगर आप इसके करियर का औसत देखें तो 6.5 के आसपास है। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी उन पर रेड में पॉइंट लाने की, वहीं पे गलती कर बैठे मीतू। सचिन तंवर दावा कर रहे हैं कि डू ऑर डाई में उन्हें कामयाबी मिली है। अब रिव्यू में तो दोनों को ग्रीन है क्योंकि ये दूसरा हाफ है, प्लेऑफ्स हैं। बिल्कुल, यहां से देखने से ऐसा लगता है कि संभवतः ये टच यहां पर खाइस के पास संभवतः हुआ है। अब देखना होगा कि वीडियो अंपायर क्या फैसला लेते हैं। रिव्यू एंड सक्सेसफुल, रेडर आउट, 1 point दबंग दिल्ली, डू ऑर डाई रेड दबंग दिल्ली के 3 tackle points। और लगातार अगर आप फेल टैकल्स देख लें तो ये सचमुच परेशान करने वाले हैं, 16 पायरेट्स के, 14 दबंग दिल्ली के। और अगर आप इतने फेल टैकल्स करते हैं जबकि 11 मिनट बाकी हैं तो फिर परेशानी होगी। मंजीत बहुत दूर से ये पॉइंट लेने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, जितनी दूर की बैटिंग लगी है उनके और डिफेंडर के बीच में से मैं और ब्रजेश हिरजी दोनों गुजर जाते। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि प्रेशर में रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे सेल्फ आउट, यहाँ पर 5 रेड मिलेंगी आपको। आउट हो गए तो कोई बात नहीं, वापस आप खेलते ही रहेंगे, आप वापस बेंच पे नहीं जाएंगे। खैर इस वक्त तो क्या बात है पटना पायरेट्स की तरफ। विशाल भारद्वाज ने अकेला सोलो टैकल किया है यहां पे। दिल्ली को जाते हुए देखेंगे या नहीं वक्त बताएगा। और कौन क्या सेल्फ आउट हुआ है यहां पर, या व्हाइट लाइन के ऊपर ही है? निशान क्रॉस तो नहीं दिख रहा है, इसे लग रहा है सिर्फ
स्ट्राइक लाइन के ऊपर ही थे विक्रांत। रनर आउट, वन पॉइंट दबंग दिल्ली। यंग कैप्टन है, आगे आने वाले दिनों में उन्हें और बेहतर करते देखेंगे। सत्य विचार दादा बिल्कुल एक मैच्योर्ड सर है उनके कंधों के ऊपर। और यहाँ टू और डाई रेड, इस बार मीतू शर्मा कम ऑन, हमें गलत साबित करो। बैक किक लगाई जरूर है और एक बार फिर गिरफ्त में आ गए, इसी बारे में हम बात कर रहे थे। तालियां बज रही है, यानी कि कुछ तो हुआ है यहाँ, शायद डिफेंडर सेल्फ आउट हुए होंगे। किशन धूल जब डबल थाई होल्ड करने की कोशिश थी, शायद से पैर बाहर गया था दीपक, से दिखा तो नहीं पर मंजीत थे उनके साथ इन पोजीशन पे, शायद वो बाहर गए थे। कोई डिफेंडर एंड लाइन से बाहर निकलता है तो कोई बात नहीं। दो अडाई पटना पायरेट्स, एक नाकाम, दो में पॉइंट और ये दूसरा भी नाकाम। विशाल भारद्वाज, वन पॉइंट, ये दूसरा टैकल पॉइंट उनके नाम। हिमाचल के रहने वाले विशाल भारद्वाज कई सालों से प्रो कबड्डी से जुड़े हुए हैं, कई सारे टीमों का हिस्सा रह चुके हैं, बहुत सारा अनुभव लेकर आते हैं। और सेकेंड हाफ के अंदर खास तौर पे दबंग दिल्ली का डिफेंस और दबंग दिल्ली की टीम एक अलग रंग में नजर आती है। दो पॉइंट से लीड कर रही है दबंग दिल्ली, लेकिन अभी भी 5.5 मिनट का खेल बाकी। आशु मलिक के पास भी प्लेऑफ्स का तजुर्बा है जरूर, लेकिन बहुत मामूली। नवीन एक्सप्रेस के पास था, उनका अगर एवरेज देखें आप प्लेऑफ्स में तो तकरीबन 13 के आसपास था, लेकिन इंजरी की वजह से वो छठे मैच के बाद खेल नहीं सके। दबंग दिल्ली के पास 2 पॉइंट की लीड है। संदीप आए हैं रेड पर, 5 मिनट का वक्त अभी बाकी। और ये गलती विशाल भारद्वाज की, राइट से वन पॉइंट पटना पर रिस्क लेते हैं। जब काम करता है तो तारीफें होती है, जब वो काम नहीं करता तो बेंच पर वापस जाना पड़ता है। बिल्कुल टाई ब्रेकर के नियम देख लीजिए और उससे पहले संदीप का दखम देख लीजिए। कम से कम 2 पॉइंट लेकर के जाएंगे यहां पर संदीप। ऊट फिर दूसरी करवट बैठने की तैयारी कर रहा है। तो बहुत ही सही समय पे संदीप कुमार को अंदर ले आया है कोच ने, काबिलियत रखते हैं पॉइंट स्कोर करने की। और बहुत ही अच्छा रेड संदीप का, रेड से 2 पॉइंट्स पटना पायरेट्स ने लीड ले ली है। ऊंट करवट नहीं बदल रहा दादा, ऊंट झूला झूल रहा है। बिल्कुल वो तय कर रहा है किधर बैठे, क्योंकि उसको भी पता है 3-4 मिनट बाकी है, जो बेहतर खेलेगा उस तरफ बैठ जाएगा। अभी पटना पायरेट्स के पास लीड, पटना पायरेट्स दादा लीड इनको मिलेगी। ओ यहाँ गलत साबित कर दिया और यहाँ पर सुपर टैकल, दिल्ली के दो रेडर्स ने मिलकर सुपर टैकल किया है। यहाँ सुपर टैकल, आशु मलिक प्राइमरी रेडर पर कर गए हैं डिपेंड, रॉफ सुपर टैकल, मगर की चकर से बचना मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल था। और बहुत ही अच्छा टैकल ये मंजीत का, पैरों पर गए, एंकल को छोड़ा नहीं लास्ट तक। और साथ में आशु मलिक ने बहुत ही बेहतरीन असिस्ट करके रोक लिया संदीप कुमार को। ओहो, यहां क्या हो गया पटना पायरेट्स के नंबर 1 रेडर को, कप्तान को धर दिया गया है। यहां एक और सुपर टैकल, लेकिन साथ ही साथ आशु मलिक बाहर, सेल्फ आउट हुए हैं वो। रॉफ सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना मुश्किल। फिर से काम कर गया योगेश और आशीष का कॉम्बिनेशन। जब जब आशीष आते तब योगेश जो है वो बहुत ही सटीक टैकल करते हुए दिखते, और वही किया सचिन को रोका डबल थाई होल्ड से। पर ये देखना होगा कि आशु मलिक जो है वो सेल्फ आउट कॉन्टैक्ट होने के पहले हुए थे या उसके बाद। मुझे लगता है जिस इस लम्हे में आशु मलिक अगर सेल्फ स्ट्रगल में वो नहीं गए बाद में, इसलिए अगर वो पहले भी आए हैं बाहर, आशु मलिक सेफ रहेंगे। संजय दा, ये देखिए आप, कॉन्टैक्ट पहले हुआ है रीडर और योगेश का, उसके बाद जो आशु मलिक बाहर गए, तो डिफेंडर सेफ दिए जाएंगे। रेडर आउट, वन डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड, सुपर टैकल, 2 पॉइंट्स दबंग दिल्ली, सुपर टैकल यहां पर कामयाब हुआ मगर की चक्कर से निकल नहीं पाए। प्लीज कम ओनली रेडर आउट सुपर टैकल। अब हम रिव्यू देखेंगे, देख सकते हैं क्योंकि
रिव्यू की कोई उपयोगिता इसके बाद होगी नहीं। सुपर टैकल 2 पॉइंट्स आवर डिसीजन 1 पॉइंट ईच सुपर टैकल टू दबंग दिल्ली एंड 1 डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड 1 पॉइंट पटना पायरेट्स प्लीज रिव्यू। उन्होंने ये समझदारी की कि वो स्ट्रगल में नहीं गए, लेकिन ऐसा लगता है कि आशु मलिक यहां पर सुरक्षित होने चाहिए। बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लग रहा है संजय दा कि सेफ रहेंगे आशु मलिक, क्योंकि कॉन्टैक्ट पहले हुआ। देखिए यहां पे कॉन्टैक्ट हो गया और अब भी आशु मलिक अंदर ही है तो सेफ दिए जाएंगे, पर उसके बाद ये भी देखना होगा कि पूरी तरह से कोर्ट के बाहर गए थे या नहीं आशु मलिक। अगर कोर्ट को पूरी तरह से छोड़ दिया आशु ने तो आशु भी बाहर होंगे। बिल्कुल सामने का पैर तो रखा हुआ है, वो आखिर तक उठा नहीं है। रिव्यू अनसक्सेसफुल, रेड अराउंड आउट एंड वन डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड, सुपर टैकल 2 पॉइंट्स दबंग दिल्ली एंड वन डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड। इसका मतलब ये है कि कैप्टन आशु मलिक का जो कॉन्टैक्ट है वो मैट से उठ गया था कुछ लम्हे में, और अब ये थोड़ी सी चिंता की बात है। 3 पॉइंट की लीड है दबंग दिल्ली के लिए, भावनाओं पर नियंत्रण कर पाना कई बार मुश्किल होता है। पूरा सीजन है एक तरफ और ये 3 पॉइंट्स की लीड अगर पायरेट्स नहीं पाट सके तो चौथे खिताब की उम्मीद है जाती रहेगी। कमबैक की शुरुआत आशीष आए और चले गए, फासला घट करके 2 पॉइंट का बचा है इस मुकाबले में। बहुत ही जबरदस्त रेड ये संदीप कुमार की, टो टच करके आशीष को आउट किया और समय पे आउट किया है। मोमेंटम लेके आ गए पूरी तरह से अपनी टीम के लिए। ये रेड मीतू शर्मा का करियर बना सकती है। मीतू शर्मा इस रेड में अपने आप को साबित कर सकते हैं या दिल्ली को डुबा सकते हैं। ये रेड सबसे महत्वपूर्ण रेड होगी मीतू शर्मा के करियर की और ये याद रखी जाएगी। रेड अराउंड 1 पॉइंट पटना पायरेट्स ने वक्त पर वापसी का बिगुल बजा दिया है। संभावनाएं अनंत हैं इस मुकाबले में। मीतू की कोशिशों पर पानी फिरा। कौन पहले गलती करेगा, कौन अपने आप को कंट्रोल में रखेगा। एक और पॉइंट, बिल्कुल सही फैसला। संदीप सबसे इंटेलिजेंट रेडर हैं टीम के अंदर और इस समय उनको भेजना बहुत जरूरी था। आप परस्यूट नहीं कर सकते आशु, अगर कोई आउट हुआ है जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा परस्यूट नहीं कर पाएंगे आप। राइट से 1 पॉइंट पटना पायरेट्स, तो बहुत ही सटीक था और कैसे नंबर 11 मिलना भी चाहिए संदीप कुमार को। और ये रेड 1 पॉइंट आते से ही 1 पॉइंट दे दिया क्योंकि बॉक्स लाइन के आगे लग गए। 1 पॉइंट से बात नहीं हो रही, 1 पॉइंट से बात नहीं बनेगी, 1 पॉइंट से लीड पटना पायरेट्स के पास। मनजीत को भेजा गया है। संदीप ज्यादा कारगर हो सकते थे इस लम्हे में। मुझे लगता है संजय दा हाइट का एडवांटेज होगा मनजीत को बॉक लाइन के ऊपर, इसलिए मनजीत को भेजा गया है। मनजीत अपना टाइम काटेंगे और उसके बाद अगर वो आउट भी हो गए तो कोई बात नहीं। ये देखिए खेलों में विशाल भारद्वाज को टच किया पटना पायरेट्स ने इस मुकाबले को अपने हक में तब्दील किया। पटना पायरेट्स पहुंच गए इसके साथ ही सेमीफाइनल में जहां पुनेरी पंटर उनका इंतजार कर रही है। दबंग दिल्ली की पूरी मेहनत पर आज पानी फिर चुका है, लेकिन एक ऐतिहासिक मुकाबला, एक शानदार मुकाबला जो लंबे समय तक हमारे आपके मन मस्तिष्क में रहेगा।